दोस्तों ये है TVS अपाची RTR 160 और इसमें फ्रंट में और रियर में दोनों ही डिस्क ब्रेक हैं, लेकिन इसके जो फ्रंट ब्रेक हैं वो बहुत ही ज़्यादा जाम है जिसकी वजह से बाइक में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको इसके पीछे के ब्रेक दिखाता हूँ। आप देख सकते हो पीछे के ब्रेक बिल्कुल फ्री है, ब्रेक मारने के बाद जब ब्रेक छोड़ते हैं तो व्हील बिल्कुल फ्री है। पीछे वाले जो ब्रेक हैं ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब आप देख सकते हो जो इसके फ्रंट ब्रेक है, जो आगे के ब्रेक हैं वो बहुत ज़्यादा जाम है, और इसका व्हील देखो कितना टाइट घूम रहा है, और ब्रेक मारने के बाद इसका व्हील और ज़्यादा टाइट हो जाता है। ये आप देख सकते हो और ज़्यादा टाइट होगा, इसकी वजह से बाइक का इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा लोड मान रही है और माइलेज भी बहुत ज़्यादा कम हो गया और पिकअप भी इसका बिल्कुल लो हो चुका है। आप ये देख सकते हैं जो इसका आगे का कैलिपर है, इसके अंदर जो पिस्टन है उनमें ये प्रॉब्लम है। मैं अभी इसको खोल के दिखाता हूँ फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो इसके ये एल की बोल्ट हैं जो डिस्पैड में लगते हैं, पहले इनको लूज कर ले जिससे काम करने में आसानी होती है, बाद में खोलने में इनमें दिक्कत आती है। अभी मैं इसका जल्दी से कैलिपर खोल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये दोनों एल की बोल्ट इसके लूज हो चुके हैं। अब मैं इसके जो ये 12 नंबर के बोल्ट है इनको खोल लेता हूँ, फिर ये कैलिपर को बाहर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से व्हील जाम हो रहा है। अगर ऐसे व्हील जाम होता है तो उससे कई बार बाइक स्लिप भी हो सकती है और आपको चोट भी लग सकती है, तो इसलिए इसको जब भी ऐसी दिक्कत आए तो इसको ठीक करा लेना चाहिए। आप देख सकते हो डिस्पैड इसके बाहर आ चुके हैं, और जो आप ये देख रहे हो कि ये जो पिस्टन है, ये दोनों पिस्टन इसके बहुत ज़्यादा जाम है जिसकी वजह से डिस्पैड है जो डिस्प्लेट के चिपके रह जाते हैं। अभी मैं इसके पिस्टन बाहर निकाल लेता हूँ। अभी मैंने इसमें ये बीच में डिस्पैड लगा दिया ताकि दूसरा पिस्टन भी बाहर आ जाए। अब इसको धीरे धीरे इसको पंपिंग करते रहेंगे और ये बाहर आता रहेगा, और जब ये पूरा बाहर आ जाए उसके बाद अब मैं इनको प्लास की मदद से इनको निकाल लूँगा। अभी आप देख सकते हो अब ये प्लास से मैंने बाहर निकाल लिए हैं, और ये आप देख रहे हो पिस्टन में कितना कचरा लगा हुआ है, इसकी वजह से ये फंस जाता है अंदर जाके। अभी दोनों बाहर आ चुके हैं। अब इसका जो आगे का कैलिपर है, ये पिस्टन बहुत ज़्यादा गंदे हैं इसके। अभी कैलिपर देख रहे हो आप, इसमें भी ये कितना ज़्यादा गंद लगा हुआ है आप देख सकते हो। इसकी वजह से इसके पिस्टन जाम हो रहे हैं, और इसकी वजह से इसके डिस्पैड चिपक जाते हैं जिससे ब्रेक जाम हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से इनको साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद इसको फिट करके दिखाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंने कैलिपर को मैंने पहले साफ़ कर लिया है, अभी मैं पिस्टन अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें फ़िट करूँगा, फिर उसको उसके बाद ब्रेक चेक करेंगे ब्रेकों में कितना फ़र्क पड़ता है। तो इनको अच्छे से साफ़ कर लें, इनका कार्बन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो मैंने कैलिपर पहले ही साफ़ कर लिए थे, बिल्कुल साफ़ हो गए। इसके अंदर मैंने कपड़ा मार के बिल्कुल साफ़ कर लिया है, और ये पिस्टन भी मैं बिल्कुल साफ़ कर चुका हूँ, बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। अब मैं इनको फ़िट कर देता हूँ। फ़िट करने से पहले मैं इनमें ब्रेक ऑयल डालूँगा, इसमें आधा आधा ब्रेक ऑयल डाल दूँगा जिससे प्रेशर बनाने में आसानी रहती है। अगर ब्रेक ऑयल नहीं डालेंगे तो इससे प्रेशर बनाने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। अब मैं इसके पिस्टन लगा देता हूँ। आप देख सकते हो पिस्टन बिल्कुल क्लीन है, और इसमें पहले थोड़ा सा मोबिल लगा ले नया जिससे ये थोड़ा सा चिकना हो जाए और ये बिल्कुल आराम से अंदर बाहर आ जा सके। ये मैंने इस पर सेट कर दिया है, और अब इसके बाद जो दूसरा वाला पिस्टन है उस पर भी थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, और उसके बाद इसको भी लगाऊंगा। अब इसको लगाने के बाद अब इन दोनों पिस्टनों को मैं पहले बिठा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या करना है। अब ये दोनों पिस्टन बैठ चुके हैं, अब इसके डिस्पैड फिट कर लेते हैं। डिस्पैड फिट करने के बाद अब इसको फिर चेक करेंगे कि ब्रेक में कितना फ़र्क पड़ा है। अभी डिस्पैड मैं लगा चुका हूँ, अब इस कैलिपर को लगाते हैं, फिट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है।
अभी आगे वाला कैलीपर फिट करने के बाद फिर इसमें जो इसकी लीवर असेंबली है ऊपर वाली, उसमें ब्रेक ऑयल कम हो गया होगा, पहले उसका ब्रेक ऑयल पूरा करना है। ये जैसा कि देख रहे हो आप, ये खाली हो चुकी है, अभी इसमें मैं ब्रेक ऑयल डाल देता हूँ। ये इसको इसमें ब्रेक ऑयल डाल के उसके बाद इसमें प्रेशर बनाना है, इसकी पंपिंग करनी है। अब इसमें पंपिंग करने के बाद इसका प्रेशर देख सकते हो आप बन चुका है। अब इसकी एयर निकाल देते हैं पहले, जिससे ब्रेक सही तरीके से प्रॉपर काम करें। ये आप देख सकते हो इसकी एयर निकल चुकी है। अब एयर निकालने के बाद इसको दोबारा से टाइट कर देते हैं इस बोल्ट को, और फिर उसके बाद दोबारा से इसकी पंपिंग करनी है। इसको दोबारा से लीवर दबाएंगे। अब इसका प्रेशर बन चुका है, प्रॉपर प्रेशर बन चुका है। अब आप देख सकते हो व्हील बिल्कुल फ्री है। अब ब्रेक मारने पे जब ब्रेक छोड़ते हैं तो व्हील बिल्कुल फ्री है। अब मैंने इसके डिस्क पैड और डिस्क प्लेट दोनों नहीं डाली है, इस वजह से हल्का फुल्का ये टाइट है, लेकिन ये बाइक जब चलेगी ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइक के डिस्क ब्रेक को बिल्कुल, डिस्क ब्रेक में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सही कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।